Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. In today's video, we will be discussing a very important remedy, that is Borax Vinita. Friends, Borax Vinita ka common name hota hai biborate of soda. Ye ek bahut important remedy hai. Basically, agar hum dhyan dein, to is remedy ke jo mental jumbles hote hain, जो नोज या फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं एंड ऑल्सो द फीमेल सिम्टम्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो आपको पता होगा कि बोरैक्स सॉल्यूशन को एप्थे को ठीक करने में यूज किया जाता है, जो मुंह में छाले हो जाते हैं कई बार उसके लिए यूज किया जाता है. सो माउथ के सिम्टम्स भी इसके एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो चलिए इसी के साथ इस रेमेडी को स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग बोरैक्स. यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन इन नियरली ऑल कंप्लेंट्स. जो बोरैक्स का पेशेंट होता है उसको डाउनवर्ड मोशन में प्रॉब्लम होती है, उसे डाउनवर्ड मोशन अपनी प्रॉब्लम में नहीं पसंद. आगे लिखा है ग्रेट एंजाइटी फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन. उसको डाउनवर्ड मोशन की वजह से एंजाइटी हो जाती है, काफी रेस्टलेसनेस फील होती है. डाउनवर्ड मोशन की एग्जाम्पल क्या है, जैसे वेन लेइंग द चाइल्ड डाउन ऑन द काउच और इन द क्रिब. जब कभी मम्मी अपने बच्चे को जिसको उन्होंने गोद लिया है उसे अगर क्रिब में रखने जाती हैं, या फिर जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है, क्राई करता है और नर्स से क्लिंग कर जाता है. व्हेन रॉकिंग, डांसिंग, स्विंगिंग, गोइंग डाउन स्टेयर्स, नीचे जब सीढ़ी उतरते वक्त भी, रैपिडली डाउन हिल, हॉर्स बैक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग में भी इसके पेशेंट को प्रॉब्लम होती है. चिल्ड्रन अवेक सडनली स्क्रीमिंग एंड ग्रास्पिंग साइड्स ऑफ कार्डल. बच्चे जो होते हैं वो नींद से अचानक से उठ जाते हैं एंड स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं और कार्डल के साइड्स को पकड़ लेते हैं, मतलब जो भी कॉट है या फिर क्रिब है जिसमें वो लाई डाउन करते हैं उसको पकड़ लेते हैं विदाउट एपरेंट कॉज, जिसका कॉज अभी तक हमें नहीं पता है. एक्सेसिवली नर्वस, इजिली फ्राइटेंड बाई स्लाइटेस्ट नॉइज और एन अनयूजुअल शार्प साउंड ऑफ कफ, अ स्नीज, अ क्राई, लाइटिंग अ मैच एक्सेट्रा. सो इसका जो पर्सन होता है इसमें नर्वसनेस एक्सेसिव होती है. इसका एग्जाम्पल कैसे दिया गया है, वो इजिली फ्राइटेंड हो जाता है छोटे से भी साउंड से या फिर थोड़े से भी साउंड से, जैसे कोई भी शार्प साउंड, किसी ने अचानक छींक दिया, किसी को अचानक खांसी आ गई, या फिर कोई माचिस जलाया तो उससे भी वो नर्वस हो जाता है, वो डर जाता है. हेयर बिकम्स फ्राउजी एंड ट्रैंगल्ड. इसका जो पेशेंट होता है इसके हेयर्स काफी फ्राउजी और ट्रैंगल्ड होते हैं और उनका जो नीचे वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पर लिखा है स्प्लिट्स स्टिक्स टुगेदर एट द टिप्स, और उनके जो नीचे वाले पार्ट है वो एक साथ स्टिक हो जाते हैं. और अगर हम इन बंचेस को कट ऑफ भी करते हैं, इफ दीज बंचेस आर कट ऑफ दे फॉर्म अगेन, और वो बंचेस का फॉर्मेशन फिर से हो जाता है एंड कैन नॉट बी कॉम्ब्ड इजिली, और ना ही ये इजिली कॉम्ब्ड हो पाते हैं. तो यहाँ पर लिखा है स्प्लिट्स एंड स्टिक्स टुगेदर एट टिप्स कैन नॉट बी कॉम्ब्ड प्रॉपरली, और अगर उन बंचेस को कट ऑफ किया जाता है तो भी दे रीफॉर्म, इफ दीज बंचेस आर कट ऑफ दे रीफॉर्म अगेन. मूविंग ऑन, आई लैशेस की अगर हम बात करें तो आई लैशेस जो इनके होते हैं उनमें काफी गमी एक्सुडेशन होता है. एक्सुडेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज, तो इनके आई लैशेस से काफी गमी एक्सुडेशन होता है. अब कोई भी चीज गमी है तो वो क्या करेगी, वो आई लैश को एग्लूटिनेट कर देगी, मतलब उसे चिपका देगी. सो इसके जो आई लैशेस होते हैं दे गेट एग्लूटिनेटेड इन द मॉर्निंग एंड वो टर्न इनवर्ड कर जाते हैं, मतलब कई बार आपने देखा होगा आप सुबह उठते होंगे तो आपकी आंखों की जो लैशेस हैं वो अंदर की तरफ चली जाती होंगी, जिनके वजह से आपको आंखों में इरिटेशन होती होगी. तो देखिए यहाँ पर लिखा है टर्न इनवर्ड एंड इनफ्लेम द आईज स्पेशली एट द आउटर कैंथस, टेंडेंसी टू वाइल्ड हेयर्स. इसमें वाइल्ड हेयर फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी हमें दिखती है,
ये टर्म आपको याद रखना काफी जरूरी है. सो लैशेस टर्न इनवर्ड एंड इन्फ्लेम द आई, स्पेशली कौन सा पार्ट? आउटर कैंथस रीजन को ये इन्फ्लेमेट करते हैं. मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द नोज. यहाँ पर लिखा हुआ है जो नोस्ट्रिल्स होती हैं, वो काफी क्रस्टी और इन्फ्लेम्ड होती हैं. जो टिप ऑफ नोज होती है वो कैसी होती है? दैट इज शाइनिंग रेड एंड रेड नोजेस ऑफ यंग वुमेन. स्टॉपेज ऑफ राइट नोस्ट्रिल और फर्स्ट राइट देन लेफ्ट विथ कॉन्स्टेंट ब्लोइंग ऑफ नोज. तो इसका जो पेशेंट होता है इसमें हमें क्या मिलेगी? स्टॉपेज मिलेगी नोस्ट्रिल में. ये चीज अमोनियम कार्बोनिकम में भी है, आप इसे कंपेयर करके पढ़ सकते हो. तो स्टॉपेज कई बार राइट नॉस्ट्रल की सिर्फ मिलती है, कई बार पहले राइट की मिलेगी एंड देन लेफ्ट की मिलेगी, और उसके साथ कॉन्स्टेंट ब्लोइंग ऑफ नोज हमें मिलेगा. फ्रेंड्स, ये तो कुछ सिम्टम्स थे जो कि नोज के थे, कुछ मेंटल सिम्टम्स थे. अब मैंने आपको बताया था दैट बोरैक्स सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द केस ऑफ एप्थे ऑफ माउथ. तो हम देखते हैं कि उसमें क्या सिम्टम्स है. सो बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है ये एप्थे की एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है. जब वो माउथ में होता है, टंग में होता है, तो ये क्या लिखा है? माउथ में, टंग में, इनसाइड ऑफ चीक में भी ये हमें देखने को मिलता है. आगे इसका कैरेक्टर क्या है? इजिली ब्लीडिंग व्हेन ईटिंग एंड टच्ड. तो ये जो एप्थे होते हैं, ये जो छाले होते हैं जो कई बार मुंह में निकल जाते हैं, इनमें जब भी कोई कुछ खाता पीता है या उन्हें टच करता है तो काफी ब्लीडिंग होती है. सो ब्लीडिंग व्हेन ईटिंग और टच्ड प्रिवेंट्स द चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग. ये क्या करते हैं? ये बच्चे को नर्सिंग से प्रिवेंट करते हैं. विथ हॉट माउथ, ड्राइनेस एंड थर्स्ट. इसकी वजह से जो पेशेंट होता है इसका माउथ काफी हॉट हो जाता है, हमें ड्राइनेस और थर्स्ट देखने को मिलेगी. क्रैक्ड एंड ब्लीडिंग टंग होगी उसकी, और सलाइवेशन मिलेगा स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन. एप्थस सोर माउथ इज वर्स फ्रॉम टच. इसका जो माउथ होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये टच के लिए काफी सेंसिटिव होता है. आफ्टर ईटिंग सॉल्टी और सोर फूड, सॉल्टी या फिर सोर फूड खाने से भी आपने नॉर्मली भी फील किया होगा, कई बार अगर माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, एप्थस का फॉर्मेशन हो जाता है एप्थे का, तो भी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है. मूविंग ऑन, चाइल्ड हैज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन. इस चाइल्ड में हमें यूरिनेशन काफी फ्रीक्वेंट देखने को मिलता है. स्क्रीम्स बिफोर यूरिन पासेस. इसका जो पर्सन होता है वो यूरिन पास करने से पहले स्क्रीम करता है, दैट मींस काफी पेन होता है. अब अगर हम इसके ल्यूकोरिया के सिम्टम्स देखें तो लिखा हुआ है प्रोफ्यूज एल्ब्यूमिनस ल्यूकोरिया हमें देखने को मिलती है, which is starchy with sensation as if warm water were flowing down. इसको ऐसा लगता है that warm water is flowing down. For 2 weeks between the catamnia. Catamnia मतलब menses होते हैं. So catamnia is a term that is used for menses. So menses के बीच में 2 weeks पहले this comes between the menses. Skin की अगर हम बात करें तो skin is unhealthy. स्लाइट इंजरी सपुरेट, जैसे कि कंडीशन हिपरसेल्फ में मिलती है. मैंने अभी आपको हिपरसेल्फ नहीं पढ़ाई है, बट अगर आपने हिपरसेल्फ पढ़ी होगी तो आपने उसमें देखा होगा हिपरसेल्फ और साइलिशिया, कैलेंजुला, कुछ ऐसी रेमिडीज होती हैं जिसमें इंजरीज बहुत जल्दी सपुरेट करती हैं. सो बोरैक्स की भी ये कंडीशन है दैट स्किन काफी अनहेल्दी होती है और स्लाइट सी भी इंजरी इजिली सपुरेट कर जाती है. नाउ If we talk about the aggravation and amelioration, सबसे पहले यहाँ पर aggravation का sign बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है that downward motion. मैंने आपको already बताया that जो बोरैक्स का patient होता है उसमें downward motion के लिए काफी aggravation होता है. Sudden slight noises से इसे aggravation है. Smoking से, which may bring on and diarrhea. So smoking से इसकी problem बढ़ जाती है. डैम्प कोल्ड वेदर से इसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी एंड बिफोर यूरिनेटिंग. बिफोर यूरिनेटिंग वाला पॉइंट क्यों लिखा है? मैंने आपको अभी पढ़ाया दैट जब ये यूरिनेट करता है तो इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इसे काफी
पेन होता है जिसकी वजह से ये स्क्रीम करता है। सो बिफोर यूरिनेटिंग भी एग्रेवेशन देखने को मिलता है। अगर हम एमिलियोरेशन की बात करें तो प्रेशर से इसे आराम मिलता है एंड होल्डिंग द पेनफुल साइड विथ हैंड। जहां भी इसकी कंप्लेन है, जहां भी पेन है, अगर ये उसे होल्ड करेगा विथ हैंड पेनफुल साइड को तो इसे आराम मिलता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस बोरैक्स विनिटा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप इनसाइड ऑर्गेनॉन के अपकमिंग अपडेट्स मिस ना करो। थैंक यू।